यूपी में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न घर के बाहर न गांव के अंदर। और ये हम नहीं बल्कि महाराजगंज में घटी घटना इस बात की तस्दीक कर रही है कि बेटियां अब यूपी में महफूज नहीं है। भले कागज में यूपी सरकार दिखा दे कि कानून व्यवस्था सबसे अव्वल है, लेकिन हाल ही में घटी घटना कम से कम ये तो कतई नहीं बता रही है कि यूपी में कोई महफूज है या नहीं। दरअसल यूपी के महाराजगंज में एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। पूरा मामला पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रविवार शाम जंगल किनारे बकरी चराने गई बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इससे लड़की की हालत सीरियस हो गई, वो रोने लगी। वारदात का पता तब चला जब बच्ची रोती बिलखती अपने परिजनों के पास खून से लथपथ पहुंची। लड़की के शरीर से खून देख घर वाले दंग रह गए। घर वालों के पूछने पर बच्ची ने रोते हुए पूरी आपबीती बता दी। इस दौरान बच्ची ने आरोपी युवक का नाम भी बता दिया। इस पर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। वारदात की सूचना के बाद पीड़ित नाबालिग मासूम बच्ची को फरिंदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। पुरंदरपुर थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दुष्कर्म करने वाले हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना पुरंदर क्षेत्र का मामला है, बढ़िया गांव पड़ता है। वहां सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटी लड़की के साथ गलत कार्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना हुआ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। बच्ची को एहतियातन हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, मेडिकल लीगल की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित के परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है, और जो इसमें आरोपी है वो बगल के गाँव का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें थाना प्रभारी और विवेचक को निर्देशित किया गया है कि जल्द ही इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करें। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने गांव से लेकर अस्पताल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बगल के ही गांव में रहता था। गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल तो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक ऐसी बच्चियों की अस्मत कोई दरिंदा लूटता रहेगा, क्योंकि सरकार तो खुद दम भरती है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पंजाब के सीटीवी के लिए महाराजगंज से गुलाम जोश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।